जब कोरोना वॉरियर्स पर फूल बरसाए जा रहे थे तब पूरे देश में स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति विशेष सम्मान का भाव जागा था। आपको याद होगा कि उस समय सड़कें वीरान थीं और लोग खुद को कोरोना से बचाने की जद्दोजहद में जुटे थे। संक्रमितों के परिजन तक उनके नजदीक जाने से कतराते थे। उस समय इन्हीं कोरोना वॉरियर्स ने संक्रमितों की सेवा की थी और जान पर खेलकर लोगों को बचाया था। 2020 में कोरोना की पहली लहर ने भारत में प्रवेश किया, लेकिन तब देश के तमाम अस्पताल कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे थे। उस समय मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए COVID-19 वर्कर्स की अस्थायी भर्ती की थी। 2 साल तक कर्मचारी जी जान से मरीजों की देखरेख में जुटे रहे, लेकिन जैसे ही कोरोना का प्रभाव कम हुआ सरकार ने कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब वही कर्मचारी अपने साथ हुए सरकारी धोखे से आक्रोशित हैं। उनके सामने भरण पोषण का सवाल खड़ा हो गया है। अचानक सेवा समाप्त कर दिए जाने से आक्रोशित स्वास्थ्य कर्मियों ने आज SS मेडिकल कॉलेज परिसर में PPE किट पहनकर भीख मांगी। हम अपना अधिकार मांगते हम अपना अधिकार मांगते। यहाँ कर्मचारियों का भीख मांगना भले ही सांकेतिक हो, लेकिन जरा सोचिए कि उन पर क्या फूल इसलिए बरसाए गए थे ताकि बाद में वे इस सम्मान से पेट भर सके। कोविड कर्मचारियों को बाहर निकालने की वजह सुनकर तो आप माथा ही पीट लेंगे। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि तनख्वाह के लिए बजट नहीं है, मतलब सरकार बजट ही नहीं दे रही, क्योंकि कोविड अभी नियंत्रण में है और सरकार को उनकी अब कोई खास जरूरत नहीं है। गौर कीजिए, जब लॉकडाउन था और सारी आर्थिक गतिविधियां रुकी हुई थी उस समय सरकार के पास बजट भी था और फूल बरसाने के लिए हेलीकॉप्टर भी थे, लेकिन अब सरकार के पास पैसे नहीं है। कोविड कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी ने अपनी व्यथा को मीडिया के सामने बयान किया है, आप भी सुनिए। सबकी नियुक्ति इस कोरोना जैसी महामारी में लड़ने के लिए की गई थी और हम लोगों ने सब कुछ अपना परिवार छोड़ करके बिना छुट्टी लिए लगातार 24/7 सातों दिन 2400 घंटे मेहनत की और उसका आज हमें 2 वर्षों बाद प्रतिसाद ये मिल रहा है कि हमें जब स्थितियां कुछ ठीक समझ में आ रही हैं, कोरोना की स्थिति लगभग नियंत्रण में लग रही है, शासन द्वारा हमें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया गया है। और सबसे शर्मनाक बात यहाँ पर है, उन्होंने हवाला दिया है बजट ना होने का। आप लोग भी समझ सकते हैं कि किन परिस्थितियों में हमने काम किया है। अगर मानवीयता को तार तार करने का काम हमारी मध्य प्रदेश शासन कर रही है तो हम सभी लोग उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारी केवल एक ही मांग है कि हमारे जितने भी अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जिन्हें सेवा से मुक्त कर दिया गया है, सेवा से निकाल दिया गया है, उन्हें ससम्मान संविदा नियमित पदों पर संविलियन किया जाए। केवल और केवल हमारी यही मांग है। सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि कोविड का प्रभाव कम जरूर हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। चीन और वियतनाम जैसे पड़ोसी देशों में लॉकडाउन है और वहां कोविड की चौथी लहर आ चुकी है। भारत में किसी भी समय संकट पैदा हो सकता है। इस स्थिति में सरकार को उन कर्मचारियों की मांग पर ध्यान देना चाहिए जिनके लिए कभी फूल बरसाए गए थे। मरीजों के साथ खिलवाड़ न करें, आज मरीज आते बाहर बैठ रहते हैं। मरीजों की सेवा के लिए हम लोग ने 2 साल दिया है, 1 साल हम फ्री में काम करेंगे। माननीय महामारी से कम निवेदन कर रहे हैं कि सभी को समझा किया जाए, सभी को हटाया मत जाए। हमने कोरोना में उस समय काम किया है जब माँ बेटे को और माँ बहन। कोविड कर्मचारियों से सरकार की इस एहसान फरामोशी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें।